अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल शमा मेकअप एंड ब्लॉग। मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त समर फेस पैक शेयर करने जा रही हूँ। ना सिर्फ फेस पे बल्कि पूरी बॉडी पे आप इसे यूज कर सकते हैं और स्पेशली गर्मियों में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ये फेस पैक। और स्पेशली जिसका स्पेशल इंग्रीडियंट है वो है कि सैंडलवुड पाउडर, यानी कि सैंडल पाउडर के साथ उसको बनाएंगे। सैंडल पाउडर जो है बहुत ज़्यादा ठंडक का एहसास देता है, इसका शरबत भी बहुत ज़बरदस्त होता है हमारी हेल्थ के लिए। इसी तरह से इसका जो पाउडर है वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और उसी के साथ जो है मैं ये फेस पैक आज रेडी कर रही हूँ, सिंपल से बिल्कुल थोड़े से इंग्रीडियंट के साथ ये फेस पैक रेडी होगा। बहुत शानदार आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। इस फेस पैक को यूज़ कीजिएगा और फिर मैं आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त समर फेस पैक शेयर करने जा रही हूँ। सैंडलवुड समर पैक कह सकते हैं आप इसको, यानी कि सैंडल पाउडर के साथ हम ये फेस पैक रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने 100% ऑर्गेनिक ऑनलाइन बाय किया था। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव उन्होंने यूज़ नहीं किए। 100% हर्बल प्रोडक्ट है और 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। बहुत ही अच्छा ये समर फेस पैक है और बहुत ही अच्छे आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है सूदिंग का एहसास होगा आपको, और आपको फ़ौरन से रिज़ल्ट जो है इसके मिलेंगे, स्पेशली गर्मियों में। सर गर्मियों में अक्सर हमारी स्किन जो है वो सन टैनिंग हो जाती है, रेडनेस आ जाती है स्किन पर, स्किन जो है हमारी काफ़ी डिहाइड्रेट हो जाती है और एक ग्लो जो है वो आहिस्ता से ख़त्म हो जाती है, वेटी हो जाती है हमारी स्किन। इस सब के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है ये फेस पैक। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून लिया जी सैंडल पाउडर। मैं इस वक्त जो यूज़ कर रही हूँ वो है रेड सैंडलवुड पाउडर, और इसके अलावा येलो सैंडलवुड पाउडर भी होता है। दोनों के बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं आपको। नंबर 2 पे मैं यूज़ कर रही हूँ जी बेसन, और नंबर 3 इंग्रीडियंट मेरा है रॉ मिल्क। तीनों चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त हैं हमारी स्किन के लिए, हमारी इंटरनल हमारी एक्सटर्नल हेल्थ के लिए। जो फेस पैक मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसे आप पूरी बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली समर में जो है आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। यहाँ पर मैंने आहिस्ता आहिस्ता से मैंने मिल्क शामिल किया, हमने रॉ मिल्क ही इसमें यूज़ करना है। रॉ मिल्क जो है वो हमारी सन टैनिंग को दूर करता है, इसमें वाइटामिन, इसके अलावा हमारी स्मॉटलिंग स्किन जो है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त इंग्रीडियंट है। इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B6 होता है, बायोटिन होता है, लैक्टिक एसिड होता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन को यूथफुल बनाता है जो रॉ मिल्क होता है। इसके अलावा जो बायोटिन उसमें होता है वो हमारी ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करता है। इसके अलावा जो विटामिन B12 होता है हमारी स्किन को लाइटन करता है। रॉ मिल्क के बहुत बहुत ज़्यादा जो है हमें फ़ायदे मिलते हैं, इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो स्किन को टैनिंग और डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करता है हमारी स्किन के ऊपर से। और जो सैंडलवुड पाउडर मैंने यहाँ पे जी मैं आपको अपने हैंड पर अप्लाई करके भी दिखा रही हूँ, और फ़ौरन से आपको रिज़ल्ट मिले हैं। आपके सामने मैं इसको शेयर कर रही हूँ इसलिए मुझे फ़ौरन से इसके रिज़ल्ट मिले थे, मैंने सोचा ये भी क्लिप ऐड करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। सैंडलवुड पाउडर जो है वो हमारी सन टैनिंग को ख़त्म करता है, स्पेशली जो समर सन टैनिंग होती है, और रिमूविंग जो सन रेज के साथ जो टैन हो जाता है उसको ख़त्म करता है। उसमें कुदरती तौर पर इसमें ऐसे जो होते हैं एसिड्स होते हैं जो हमारी सन टैनिंग को ख़त्म करते हैं। सैंडल पाउडर एक बहुत ज़्यादा कूलिंग का इफेक्ट देता है। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से अपने स्किन को जो है क्लियर कर लिया था। आपकी जो स्किन है वो पहले से साफ़ होनी चाहिए, इस पर कोई मेकअप वगैरह कुछ भी लगा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए आपकी स्किन, तभी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पहले मैंने ब्रश के साथ अप्लाई करने की कोशिश की थी लेकिन मुझे ज़्यादा बेहतर जो है वो हैंड के साथ ही लगा। आपके हैंड बस अच्छी तरह से वॉश होने चाहिए, बाकी कोई इशू नहीं है। इसके अलावा जो मैंने इसमें बेसन यूज़ किया है, सबको पता है बेसन हमारी स्किन के लिए कितना ज़बरदस्त है, पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है, सन टैनिंग को ख़त्म करता है, आपकी स्किन को के लिए एक बेहतरीन स्किन पॉलिशर के तौर पे हम बहुत सारे फेस पैक में इसको यूज़ करते हैं, और एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी ग्लो देता है हमारी स्किन को, और स्किन के ऊपर जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लेयर प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने अप्लाई कर लिया था अपने फेस पैक को, और तकरीबन 10 मिनट्स के लिए मैंने इसको रखा था। मैंने इसको मुकम्मल ड्राई नहीं होने दी है, सिर्फ 10 मिनट्स भी काफ़ी हैं। आपकी स्किन को जो बेनिफिट मिलने होते हैं वो 10 मिनट में बड़े आराम से मिल जाते हैं। फ़ौरन से आपको एक सूदिंग का, एक कूलिंग का एहसास होगा इस फेस पैक के बाद, और एक ठंडक सी आएगी आपको अपनी स्किन पर। मैं स्पेशली समर के हिसाब से आजकल आपको दे रही हूँ फेस पैक जो मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट मिलते हैं। यहाँ पर जी मैंने 10 मिनट्स के लिए इसको रखा था, और 10 मिनट्स के बाद जो है मैंने जब इसको ये थोड़ा थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो गया था, मुकम्मल ड्राई नहीं किया था। किसी भी जो फेस पैक है उसको आप मुकम्मल ड्राई मत होने दिया करें, आपको 10 से 15 मिनट्स में बड़े अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे आफ्टर 10 मिनट्स जो है
ये ड्राई हो गया था, तो फिर मैंने इसको ठंडे पानी के साथ जो है वॉश कर लिया था। बहुत ही ज़बरदस्त ग्लो आया था मेरी स्किन पर, और एकदम बहुत ही कूलिंग इफेक्ट आ गया था मुझे अपनी स्किन पर फील हुआ था। आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छी सी ग्लो आ गई है। इसे यूज़ कर कीजिएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।